एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाएंगे लौकी का हलवा। तो यहाँ पे मैंने रखा है कढ़ाई, कढ़ाई में डाला मैंने एक चम्मच घी। अब मैं डाली हूँ इसके अंदर लौकी, तो आधी किलो का लौकी है और इसे मैंने अच्छी तरीके से कद्दूकस कर लिया, इसे मैंने इसके अंदर डाल दिया है। इसे मिक्स कर लेंगे, ढक के 5 मिनट पकाएंगे। 5 मिनट बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो आप भी आप देख सकते हो 5 मिनट हो गया है, मैंने ध्यान नहीं दिया तो नीचे के तलवे में थोड़ा सा पकड़ लिया। तो आप इसे ध्यान से बनाए, लगातार इसे हम चलाते रहेंगे। अभी ये पहले से थोड़ा सा पक गया है, तो अब इसके अंदर मैं डालूंगी खोया। तो मैंने 200 ग्राम खोया डाला है और ये घर का बना हुआ था, आप चाहे तो मार्केट से भी लाके डाल सकते हैं। फिर से इसे अच्छी तरीके से चलाएंगे। अब इसके अंदर मैं ऐड करूंगी दूध, तो चाय वाली कप से 1 कप दूध मैंने डाला है इसमें। लगातार चलाते हुए कुक करेंगे। तो गैस मैंने मीडियम फ्लेम पे रखा हुआ है, लगातार इसे हमें चलाते रहना है, नहीं तो ये जल जाएगा। तो आप इसे अपने घर पे एक बार ट्राई जरूर करें। सीजन भी चल रहा है और लौकी आपको हर सीजन में मिलता है और हलवा इसका बहुत ही टेस्टी होता है। तो गाजर के अलावा आप इसका भी हलवा एक बार ट्राई करें। तो आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से ये पक गया है, मतलब पूरा सूखा। तो यहाँ पे मैंने चीनी नहीं डाला है क्योंकि मैंने खोया में ऑलरेडी ही चीनी डाल रखा था, बाकी आप अपने स्वाद के अनुसार चीनी डाल सकते हैं। तो अभी ये तैयार है, अब मैं इसके अंदर डाल ली हूँ ड्राई फ्रूट डाल के एक बार और इसे मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अब इसे हम सर्व करेंगे। तो लौकी का हलवा बहुत ही टेस्टी बना था। जैसे आपको गाजर का हलवा पसंद है उसी तरह आप एक बार लौकी का हलवा भी बना के ट्राई करें तो आपको गाजर का हलवा भूल जाएगा, आप बार बार इसे बना के खाओगे। तो हमारी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं ऐसे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फ्रेंड्स।